इधर पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। 2024 के लिए अभी से किसने शुरू की तैयारी? सिद्धू आज राहुल और प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात, क्या सुलझेगा विवाद? सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्ट बताया और उन्हें हटाने की मांग की। सीएम ममता ने कहा कि 1996 के जैन हवाला केस में राज्यपाल धनखड़ का भी नाम आया था। करप्टेड मैन कहने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका राज्यपाल कभी चार्जशीट में शामिल नहीं था, इसका कोई भी दस्तावेज नहीं है, ये जानकारी गलत है। आप जैसी सीनियर राजनेता से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ। साथ ही उन्होंने ममता को नूरा कुश्ती बंद कर बंगाल की जनता के भले के लिए काम करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद वर्चुअली इस बैठक में राज्य के बीजेपी नेताओं से चर्चा करेंगे। कोलकाता के बीजेपी चुनाव कार्यालय में शाम 4:30 बजे से ये बैठक होगी। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक और सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोमवार तक हाई कोर्ट में शपथ पर दायर करने का निर्देश दिया था। 2024 चुनाव के लिए विपक्ष ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एक और जहां नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस दलों के नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है, वहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के बिना 2024 की रणनीति तैयार नहीं की जा सकती। इसके अलावा पीएम कैंडिडेट का सवाल अभी चर्चा से बाहर रखा गया है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे। राहुल पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राज्य के सियासी हालात और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने और विवाद खत्म करने की कोशिशों में लगे हैं। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने से पहले बड़ा ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। इस बीच चंडीगढ़ में कल आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने देने के आरोपों को सीएम अमरिंदर सिंह ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव के बाद यूपी बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होगी। कार्य समिति की बैठक में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। कल तक चलने वाली कार्य समिति की इस मैराथन बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ही संभालेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका अगले महीने लखनऊ आ रही है और करीब 5 दिन लखनऊ में रहकर वो संगठन की बैठकों में शामिल होंगी। उनके लिए लखनऊ में कॉल आवाज को सजाया सवारा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।